हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी होम। आज मैं आप लोगों को जहाँ पे लेके जा रही हूँ, दैट इज़ डेकैथलन। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे मेरे टेनिस एल्बो के लिए कुछ बैंड्स प्रेस्क्राइब किया था, तो उसको लेने के लिए मुझे डेकैथलन आना था। तो यहाँ आके मैं हैरान हो गई, कितनी बड़ी स्टोर्स है फॉर स्पोर्ट्स आइटम। इतने ज़्यादा एरिया लेके ये बना हुआ है। देखिए, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। अलग अलग जगह है फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स टी शर्ट्स भी है, प्रोटीन पाउडर, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू हेल्थ, चूज कर सकते हो। ऑल गेम्स के लिए रिलेटेड, क्रिकेट हो या गोल्फ हो, देखिए उसके रिलेटेड ड्रेस, इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ये साइकिल का तो बहुत बड़ा शोरूम है, स्केटिंग के लिए हेलमेट वगैरह, रोलर स्केटर, टेनिस के लिए लॉन टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, ऑल टाइप ऑफ बैडमिंटन, हॉकी, मतलब कौन सा स्पोर्ट्स बाकी है, कुछ भी। अलग अलग यूनिट है जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इवन वॉकिंग के लिए आपका शूज, डिफरेंट काइंड ऑफ कंफर्टेबल शूज यहाँ पे है, सॉक्स है, ट्राउजर्स है, फिटनेस एरिया है, रिकवरी एरिया है, जैसे कि आपको कोई बैंड्स चाहिए, रिस्ट बैंड हो या डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे मुझे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है जो बैंड, उसी के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्सेसरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे ये रिकवरी एरिया है, योगा मैट यू कैन सी। नीचे एरिया जो है वहाँ पे वर्कशॉप है, जैसे कि आपका साइकिल का कोई मतलब रिपेयर करना है तो वहाँ पे कर सकते हो। देखो, फिशिंग के लिए भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाता है यहाँ पे। मतलब कैंपिंग में जा रहे हो, आपको टेंट भी मिल जाएगा वहाँ पे जाके। जैसे आप कुछ स्टूल लेके जा सकते हो, फोल्डिंग वगैरह, फिर आपको वहाँ पे केटली और कैसे जब चाय वाय बना रहे हो तो वो सारे सरंजाम भी मिल जाएगा आपको। स्विमिंग रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हैं, देन जिम्स आइटम है, साइकिलिंग या कोई भी जिम्स के लिए, जिम के लिए जो लगता है, बहुत सारे जूडीज है। गर्ल्स के लिए भी जिम सूट्स है, टी शर्ट, और इसका तो इतना वेरिएशन है क्या ही बताऊं। तो मतलब देख के, एक दिन में देख के हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। देखो, योगा मैट एंड ये बोट भी मिल जाता है, ऐसे कियाक आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देवराज कुछ पसंद कर रहा है उसको ड्रेस, तो ये वाला प्रिंटेड वाला पसंद आया था, लेकिन उसका हाफ था, फुल नहीं था, तो मैंने उसको बोल रही थी कि दूसरे ऐसे प्रिंट्स वाला लेने के लिए, क्योंकि हमेशा तो प्लेन ही लेते हैं, बट उसको प्लेन ही पसंद है क्योंकि उसको क्वालिटी उसका अच्छा लग रहा था। एंड ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिज एज, तो उसको ये वाला पसंद आया पैंट।
ठीक है, जिसको जो पसंद है क्या ही कर सकते हैं, लेकिन प्लान तो बहुत सारे हैं। ये शर्ट्स भी उसको बहुत पसंद आ गया है तो वो लेने के लिए सोच रहा है। अभी चेकिंग वगैरह कर रहा है, सब कुछ ठीक है, नहीं पॉकेट्स वॉकेट्स भी है, क्वालिटी वाइज इज ऑल्सो वेरी गुड, कंफर्टेबल है। मैंने भी कुछ लिया है, मैं बोल रही थी ये प्रिंटेड वाला लेने के लिए, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, वो लेना बोल रहे नहीं प्लेन ही चाहिए। तो ठीक है, जिसको जो पसंद आए। तो इतने सारे चीज़ हमने लिया है, ये शर्ट है, उसने ये शर्ट पसंद किया, उसको थोड़ा लाइट कलर का प्लेन कलर का चीज़ें ज़्यादा पसंद है। अभी हो गया है, देखो घर आ गया है, क्या क्या लिया, एक नी कैप देवराज के लिए, मेरे लिए नी कैप, ये मेरे लिए एक मैंने पैंट लिया है, ये रीज बैंड, ये कैप उसका पसंद है, बहुत सारे कैप में से और एक इंक्लूड हुआ है। ये पैंट जिसने जो कि उसने पसंद किया है वो वाला ले लिया। ये शर्ट, तो ये शर्ट का एक मज़ेदार चीज़ है कि इसके देखो पीछे ऐसे ना थोड़ा सा होल है, तो हमने सोचा था कि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, लेकिन बाद में नहीं, उन्होंने बोला नहीं ये ऐसे शर्ट का सारे डिज़ाइन ऐसे है फॉर पासिंग ईयर। और फिर मैंने भी टी शर्ट लिया, ये एक टी शर्ट लिया सिंपल घर में पहनने के लिए, कलर मुझे अच्छा लगा था तो मैंने लिया और बहुत ही सॉफ्ट था। ये एक और टी शर्ट लिया, ये भी पहनने घर में ही पहनने के लिए, वाइट का ऊपर, ये भी लिया। देन ये है एक रिज बैंड जो कि देवराज ने लिया उसके लिए, ये ही चीज़ है जो कि थेरा बैंड जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया, ये छोटी सो चीज़ लेने के लिए हम डेकाथलन गए थे और हम दुनिया भर के सामान खरीद के आ गए ये बैग के साथ, एक बैग भी खरीदना पड़ा, इतने सारे सामान हैं। और ये मैंने मेरे टेनिस एल्बो के लिए एक बैंड लिया, ये भी है, तो ये चीज़ खरीदने के लिए आए थे। अभी शाम को दिया जलाने के लिए बोला था सोसाइटी में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो हमने जस्ट लाइट्स जलाए। अभी है 10 बज गया रात को, हम जा रहे मूवी देखने के लिए, कौन सा मूवी पता है, मैरी क्रिसमस, सुना है कि अच्छा हुआ है, देखते हैं। चारों तरफ लाइटिंग बहुत है क्योंकि आज से ही शुरू हो गया है सेलिब्रेशन देश भर में, तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग वाइटिंग चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, रास्ते पे आ गए एंजॉयमेंट, इतने रात को भी सारे चारों तरफ रामायण पाठ चल रहा है, रामायण का गाना बज रहा है, मतलब पूरे देश भर में सारे राम भक्त एक हो गए हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सेलिब्रेट करने से।
तो चलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी करना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।